तो पूरी तरीके से एकदम आंधी चल रही है, पूरा मौसम ही यहाँ का चेंज है। दोस्तों आज मैं यहाँ पे आपको जिद्दा सिटी का कुछ नाइट व्यू दिखा रहा हूँ, आप देखिए। अगर आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए ताकि और भी मैं नया वीडियोस आप लोगों के सामने लेके आ सकूँ। तो फ्रेंड्स अभी मैं पहुंच चुका हूं जिद्दा के सबसे खूबसूरत प्लेस पे। यहां पे भी बैक साइड में बीचेस है तो बीचेस के पास मैं चल रहा हूं। उसके अलावा और भी प्लेसेस है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं बैक साइड में ये जिद्दा की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग है और मैं इस समय जिद्दा के सबसे खूबसूरत प्लेस पर हूँ। और बैक साइड में जैसा मैंने बताया कि बीचेस वगैरह भी हैं और भी अच्छे प्लेसेस हैं यहाँ पे। और भी देखिए बैक साइड में होटल्स वगैरह हैं, देखिए यहाँ पे लोग आते हैं, लोग राइडिंग वगैरह भी यहाँ पे करते हैं, बहुत अच्छा है, यहाँ पे एंजॉय करते हैं। मैं अभी आप सब आपको दिखाने वाला हूँ, बस मेरे साथ ये वीडियो में बने रहिए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैं अभी बीच के पास में आ चुका हूँ और यहाँ पे देखिए बच्चे वगैरह भी खेल रहे हैं, मस्त इंजॉय कर रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये बैक साइड में ये सऊदी का फेमस होटल है, इसको अलबेक बोला जाता है। ये सऊदी में हर जगह आपको मिलेगा, कोई भी सिटी में जाएंगे तो ये फेमस फूड है यहाँ का। और आगे चलिए मैं और आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स जैसा आपने देखा था लास्ट टाइम मैं कॉर्निस पे गया था, आपने पिछले वीडियो अगर जिन्होंने देखा होगा तो उनको पता होगा कि मैं फाउंटेन के पास में गया था। तो वो कॉर्निस अलग है और ये कॉर्निस अलग है। यहाँ पे कैसा रहता है, इसको बड़ा कॉर्निस बोला जाता। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ ऑलमोस्ट जिद्दा सिटी में कम से कम 30 किलोमीटर तक आपको पूरा समुंदर का ही नज़ारा देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे इस तरीके का व्यू से यहाँ पे रहता है। आप जैसा ये पीछे देखिए, पीछे आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है। और भी अच्छा है यहाँ पे प्लेसेस, और मैं दिखाते रहूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि जितना आप लोगों को दिखा सकूँ उतना मैं दिखाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे। बात करें वैसे ये सिटी की तो सऊदी अरब में ये जो जिद्दा सिटी है, जिद्दा सिटी में ये जो स्पॉट आप देख रहे हैं, स्पॉट पे जो मैं आया हूँ ये मेन पिकनिक स्पॉट जैसा है। यहाँ पे ऑलमोस्ट इवनिंग के टाइम पे बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं पिकनिक वगैरह मनाने के हिसाब से, और अच्छा यहाँ पे रिलैक्स होकर जाते हैं। आप देखिए यहाँ का जैसा मौसम मैंने बताया, यहाँ पे एकदम आंधी जैसा चल रहा है और बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पे लहर आ रही है समुंदर के अंदर, तो मुझे भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं थोड़ा सा देखता हूँ और आगे चल के। तो मैं यहाँ से अभी आइसक्रीम ले लिया हूँ, थोड़ा गर्मी ज़्यादा लग रही थी मुझे तो एक आइसक्रीम खा लेता हूँ। आइसक्रीम खाने के बाद फिर आगे का वीडियो कंटिन्यू करेंगे। अच्छा है, काफी टेस्टी है इसका। तो दोस्तों जैसा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये जो रास्ता है, ये रास्ता सीधा ये रोड के पास में है और ये रोड से सीधा समुंदर के अंदर जाता है। यहाँ से जैसा समुंदर के अंदर जाके थोड़ा सा जैसा ठंडी हवाएं लेना है, अच्छा उधर विजिट करना है तो इसके लिए बहुत अच्छा प्लेस है।
सकते हैं ये जो लाइट है ये पूरा सीधा अंदर गई हुई है। ये मैं वही रास्ता आपको बता रहा था अभी कि ये रास्ता सीधा रोड से लेके तो सीधा समुन्द्र के अंदर जाता है। आप देख सकते हैं एकदम आखिरी तक, वहाँ तक ये पूरा बनाया हुआ है, वहाँ तक लोग विजिट करते हैं और मस्त यहाँ की जो खूबसूरती रहती खूबसूरती को मस्त इन्जॉय करते हैं यहाँ पे। और थोड़ा अंधेरा होने की वजह से मैं रात में आया हूँ तो इसके वजह से आपको ज़्यादा दिख नहीं रहूँगा। बाकी ये मैं एकदम पानी के पास में आ गया हूँ, बीच के पास में, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके मुझे बताइए और वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे और भी मैं अच्छे वीडियोस ये चैनल पे डालूंगा और भी अच्छे अच्छे प्लेसेस आप लोगों को विजिट कराऊंगा। तब तक के लिए चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।